गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज होम साइंस की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास के अंतर्गत डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में विकास। ये शारीरिक विकास के अंतर्गत ही विभिन्न क्रमों को हम पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विकास के क्रम को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की इस कक्षा में किशोरावस्था पर प्रमुख रूप से केंद्रित रहेगा ये हमारा शैक्षणिक सत्र। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में नाड़ी संस्थान के बारे में कि किस प्रकार से क्या क्या बदलाव आयु के साथ नाड़ी संस्थान में होते हैं और किस प्रकार से पाचन तंत्र का विकास होता है। एक शिशु से जब वयस्कावस्था की तरफ बच्चा अग्रसर होता है किस प्रकार से श्वसन तंत्र का विकास होता है। अब किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था से तात्पर्य क्या है, प्यूबर्टी बोलते हैं इसे इंग्लिश में और हिंदी में हम कहते हैं वयः संधि। अब ये प्यूबर्टी जो शब्द है वो लैटिन शब्द है प्यूबर्टस, उससे बना है और इसका तात्पर्य है एज ऑफ मैनहुड, यानी कि जब एक परिपक्वावस्था आ जाती है यानी कि एक बालक, मेल्स के पुरुषों के संदर्भ में ये बात कही गई है कि एक बालक जब परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो वो जो आयु है उसको प्यूबर्टी कहा गया है, उसको वयः संधि कहा गया है। बाल्यावस्था के अंत, हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, तो इसमें बाल्यावस्था जब ख़त्म होने लगती है 11-12 साल की उम्र में आप कह सकते हैं, तो लैंगिक परिपक्वता आने लगती है और उसके लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। लैंगिक परिपक्वता से क्या तात्पर्य है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्थात डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स बच्चों में, बच्चों तो नहीं बालकों में प्रजनन संबंधी बदलाव, परिवर्तन होने लगते हैं और लड़के और लड़कियों दोनों में ही किशोरावस्था के दौरान काफ़ी बदलाव देखने में आते हैं, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, किसी बात को लेके वो कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उसमें भी परिवर्तन आता है, उनमें मूड स्विंग्स आते हैं यानी कि मूड कभी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा भी हो जाता है कि रोने भी लग जाते हैं। तो ये कुछ एक चेंज होने वाली अवस्था है यानी परिवर्तन की अवस्था है और इस पूरी प्रक्रिया में ये जितने भी लक्षण आ रहे हैं जो लैंगिक परिपक्वता के लक्षण हैं, लड़कों में जैसे मूंछें निकलना होता है, बाल आना होता है, प्यूबिक हेयर आना होता है कि प्रजनन अंगों के आसपास बाल आते हैं और लड़कियों में माहवारी प्रारंभ होना होता है, तो ये वाली चीज़ें और लड़कियों में, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है थोड़ी सी, दोनों की आवाज़ में डिस्टिंक्शन परिवर्तन दिखता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें ये लक्षण परिलक्षित होते हैं इसमें करीब 2 से 4 वर्ष लगते हैं। तो लड़कियों में ये आयु है 11 से 15 वर्ष, 11 की उम्र से ही ये बदलाव आने लड़कियों में शुरू हो जाते हैं और लड़कों में ये आयु है 12 से 16 वर्ष, तो 12 वर्ष की आयु में उनके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और वो 16 वर्ष तक कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। लड़कियों में 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होने लगेंगे ये, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि जो वक्षस्थल है लड़कियों का वह विकसित होने लगता है और ये 15 साल तक इनके पूरे होते हैं। अब इससे तात्पर्य ये नहीं है कि माहवारी लड़कियों में 11 ही वर्ष की प्रारंभ हो जाएगी, 11 वर्ष से हो सकती है और कई लड़कियों में बहुत, क्योंकि बहुत सारे कारक इसे प्रभावित करते हैं तो इसलिए कई लड़कियों में 11 वर्ष से थोड़ा सा पहले भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें हार्मोनल दूध भी हम ले रहे हैं, उसमें ग्रोथ हार्मोन जानवरों को लगाया जाता है, गाय को, और
जितने भी फल सब्जियां हम खा रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स होती हैं, ये सब केमिकल्स जो होते हैं ना, ये सब जो रसायन होते हैं, ये शरीर में काफ़ी परिवर्तन लाते हैं, काफ़ी प्रभावित करते हैं शरीर की प्रक्रियाओं को। तो अभी जैसे पहले ये जो महामारी आने की अवस्था थी, शायद 13 वर्ष से पूर्व नहीं आती थी सामान्यतः लड़कियों को, लेकिन आजकल 10 साल की उम्र में भी लड़कियों को यह मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था में हम देखें तो प्रजनन अंगों के सक्रिय होने पर बाल्यावस्था का अंत हो जाता है और किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। तो चाइल्डहुड खत्म होने लगता है और किशोरावस्था प्रारंभ होने लगती है। तो 11 से 12 वर्ष हम कह सकते हैं सामान्य रूप में एक औसत आयु है जिसमें ये अवधि प्रारंभ हो जाएगी। लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने की जो औसत आयु है वो 13 वर्ष है। अब इससे वो तात्पर्य नहीं कि सबका 13 ही वर्ष में प्रारंभ होगा, किसी का 11 में भी होता है, किसी का 12 में भी होता है, किसी का 14 में भी होता है। तो ये परिवर्तन या ये सामान्य इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्तिगत भिन्नताएं हर बालक में, हर किशोर में होती हैं। लड़कों में ये जो परिपक्वता का, मैच्योरिटी का या किशोरावस्था का ज़्यादा लक्षण दिखने की आयु है वो है 14 वर्ष। प्यूबर्टी जो होती है, वयसंधि, उसके परिवर्तन का कारण क्या होता है? जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं जिससे, उससे कई हॉर्मोन्स निकलते हैं, और प्रजनन ग्रंथि जो सेक्स हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं जिससे, उससे निकलने वाले जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनका स्रावण होता है, और इन हॉर्मोन्स की वजह से ही शरीर में लड़के में लड़कियों में बदलाव आते हैं। तो मेन प्रमुख कारण शारीरिक परिवर्तन का क्या है? हार्मोनल सिक्रेशन या हार्मोन्स का स्रावण, जो कहाँ से स्रावित हो रही हैं, एक तो पीयूष ग्रंथि से, एक प्रजनन ग्रंथि से। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इसे नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें अपने नोट्स में। अब पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन हो रहे हैं? देखिए, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ से आपको समझ में आ रहा है शारीरिक वृद्धि, तो ग्रोथ हार्मोन जो शरीर को लंबा करेगा, वृद्धि देगा, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जो सेक्स से संबंधित है, जो प्रजनन ग्रंथियों को प्रेरित करने का काम करेगा। दोनों, गोनेड से तात्पर्य सेक्सुअल कैरेक्टर से है या प्रजनन तंत्र से है या प्रजनन अंगों से है, जो गोनेड्स बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में इसे शारीरिक वृद्धि वाला हार्मोन बोल सकते हो आप, हार्मोन की हिंदी नहीं है, इसे बोलेंगे हार्मोन ही। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को प्रजनन ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन बोल सकते हो। तो दो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले दो हार्मोन कौन से हैं, ये भी महत्वपूर्ण एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ग्रोथ हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब किशोरावस्था में सामान्य क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं आप देखिए, आप सभी परिचित हैं इन लक्षणों से और गुजर चुके हैं इसमें से, होते हुए ही आगे मैच्योर हुए हैं, परिपक्व हुए हैं। तो आप देखिए, पहला तो एक सामान्य समस्या आती है कि चेहरे और शरीर पर मुहासे होने लगते हैं, ये हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से ही होता है, हार्मोन्स के स्रावण की वजह से ही होता है। पसीना ज़्यादा आने लगता है और शरीर से पसीने की दुर्गंध भी आने लगती है। हर व्यक्ति की कोई विशेष गंध होती है, वो ये जो किशोरावस्था होती है उसमें काफ़ी तेज़ हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और आर्मपिट में बाल उगने लगते हैं, यानी कि बगलों में बाल आने लगते हैं, जननांगों के पास बाल उगने लगते हैं जिसे कहते हैं प्यूबिक हेयर, बाहों और पैरों में भी बाल उगने लगते हैं। तो लड़कियों में भी कई बार हाथ पैरों पर तीव्र गति से बाल उगने लगते हैं, पहले बच्चे होते हैं तो उनके बाल नहीं होते ज़्यादा, लेकिन बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था में आते हैं तो बाल ज़्यादा उगने लगते हैं। पैरों और हाथों में भी कुछ दर्द महसूस होता है, क्योंकि बोन्स भी स्ट्रेच हो रही हैं, बोन्स भी बढ़ रही हैं इसलिए। अब आप देखिए, लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन का सामान्य क्रम आप देखिए, लड़कियों में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक बदलाव हो रहे हैं,
तो सबसे पहले तो किशोरावस्था का ग्रोथ स्पर्ट आरंभ, यानी इस समय लड़कियों की हाइट बढ़ती है तीव्रता से। फिर गुप्तांगों के बाल बढ़ने लगते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, और लड़कियों के शरीर का आकार भी बदलने लगता है, जैसे उनकी कमर और कूल्हे चौड़े होने लगते हैं, या इसे कहते हैं पेल्विक बोन, पेल्विक एरिया डेवलप होने लगता है। क्यों? क्योंकि आगे उन्हें जिस उद्देश्य से, जो प्रजनन के उद्देश्य से लड़की का शरीर, किशोरी का शरीर उसको तैयार करने लगता है। प्रजनन अंगों का आकार बढ़ने लगता है, प्यूबिक हेयर, जो जननांग के बाल हैं, वो गहरे रंग के और बड़े होने लगते हैं। सन का विकास होने लगता है, सन के आसपास के क्षेत्र का विकास होने लगता है, और जो ग्रोथ स्पर्ट होता है, ये जो लंबाई खींचने वाली फीचर है, जो विशेषता है, वह चरम पर होती है। हाइट एकदम से लेती हैं लड़कियां, और जब सामान्यतः कहा जाता है कि महावारी के बाद उनकी हाइट, मतलब उस टाइम एकदम से स्पर्ट आता है, ग्रोथ स्पर्ट, खींचती हैं, हाइट लेती हैं लड़कियां। फिर मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, और प्यूबिक हेयर, प्रजनन अंगों पे जो बाल हैं और लड़कियों के स्तन पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, और लड़कियां प्रजनन में सक्षम हो जाती हैं। अब देखो, लड़कों में किशोरावस्था के दौरान क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसका सामान्य क्रम देखिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, लड़कों के अंडकोश का आकार बढ़ने लगता है, और लिंग का भी विकास होता है। ये सब बदलाव आ रहे हैं, कैसे कैसे आगे बालक में, किशोर में बदलाव हो रहे हैं। फिर उनमें भी प्यूबिक हेयर या प्रजनन जननांग, जो जननांग के बाल हैं, वो विकसित होने लगते हैं, और ग्रोथ स्पर्ट प्रारंभ हो जाता है। ग्रोथ स्पर्ट, लड़के भी एकदम से लंबाई खींचते हैं, लिंग का आकार बढ़ता है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, तो स्वर यंत्र में जो वोकल बॉक्स होता है उसमें भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो जो गले में हल्का सा उभार लड़कों के आपने देखा होगा, तो वो वोकल बॉक्स आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। मूछें आने लगती हैं, बगल में बाल आने लगते हैं, शुक्राणु का निर्माण बढ़ जाता है, नाइटफॉल जिसे कहते हैं स्वप्न दोष, वह भी होता है। ग्रोथ स्पर्ट चरम पर होता है, यानी कि लंबाई तीव्रता से लेते हैं ये किशोर, और प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में भी वृद्धि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में होने वाली ग्रंथि है, या क्या कहें कि इससे मेल हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जो पुरुषों में ही पाए जाएंगे। शुक्राणु निर्माण प्रजनन हेतु पर्याप्त होते हैं, और वृद्धि की दर कम हो जाती है, यानी जो शुक्राणुओं का विकास होता है, शुक्राणु का श्रावण होता है, और वो प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। वयसंधि में जो होने वाले परिवर्तन है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो एक होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। होमियोस्टेसिस मैंने आपको समझाया था कि एक शरीर का एक संतुलन को बनाए रखने का एक कार्यक्रम होता है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है। तो जब ये हार्मोनल सिक्रीशन, स्रावण होता है, तो ये जो होमियोस्टेसिस का जो शरीर की कंडीशन है, वो जो विशेषता है शरीर की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उस पर गलत असर, गलत प्रकार से वो प्रभावित होती है। होमियोस्टेसिस बेसिकली किसी भी इमरजेंसी या किसी भी शारीरिक बदलाव के लिए, या आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उससे हमारी बॉडी एडजस्ट कर सके, उसके लिए एक बैलेंस बनाने की क्रिया है। तो इसीलिए, क्योंकि अब डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसीलिए बच्चा जो किशोर है, वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी संवेगात्मक रूप से थोड़ा सा तनाव में आ जाता है, कंफ्यूज होने लगता है, एक प्रकार की अनिश्चितता होती है, असुरक्षा की भावना होती है, थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। किशोर को, किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है कि उनको सही दिशा में भी ले जाया जा सकता है बच्चों को, और वो गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, गलत बातें भी सीख सकते हैं, तो उनका व्यवहार थोड़ा सा अनपेक्षित सा, असामाजिक भी हो जाता है। कई बार जो रिवोल्ट करते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब कोई भी बात के लिए अपोज करना, कि आप
जैसे कह दिया कि आपको उस कार्यक्रम में नहीं जाना, पेरेंट्स ने अभिभावकों ने कहा कि फला फला फंक्शन में आपको नहीं भाग लेना, आपको नहीं जाना उस पार्टी में, तो बच्चे उस चीज़ को स्वीकार ना को स्वीकार आसानी से नहीं करते, उनको थोड़ा सा हार्मोनल श्रावण की वजह से उन्हें लगता है कि नहीं हम तो परिपक्व हो गए, हम तो बहुत बड़े हो गए और हम तो अपने निर्णय ले सकते हैं, तो उनका व्यवहार में भी ये सब चीज़ें परिलक्षित होती हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है कि इस चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया, मैं कर सकता हूँ ये चीज़, तो बहुत एक प्रकार की बेचैनी हो जाती है, वो बहुत मूडी से हो जाते हैं, कभी खुश कभी बहुत दुख या कभी बहुत गुस्सा, थोड़ा परिवार और समाज से भी दूर हो जाते होंगे। आपने देखा होगा पहले जो बच्चा माता पिता के बहुत नज़दीक होता है, उनके आसपास रहता है, खेलता रहता है, हर बात के लिए उन्हें पूछता परेशान करता रहता है, तो जैसे ही किशोरावस्था के दौरान वो होता है तो वो थोड़ी सी दूरी बनाने लगता है, अपने अपने में रहने लगता है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा उसको अच्छा लगने लगता है, घर पे आप महसूस किया होगा कि चिड़चिड़ापन होता है, एक विद्रोह का भाव होता है, ये दिखाने के लिए कि मैं तो फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं निर्णय खुद ले सकता हूँ, तो ये सब बदलाव उसके व्यवहार में वयसंधि के दौरान जो हार्मोनल सिक्रेशन और जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। कार्य के प्रति अनिच्छा, भोजन में अरुचि हो जाती है, कभी दुखी हो जाता है, शारीरिक परिवर्तनों से परेशान भी हो जाता है, चिंता भी होने लगती है, लड़कियां हैं महावारी के समय एकदम से चिंतित हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ, इसी प्रकार से लड़के हैं उनके अंदर जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं उससे भी उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, नाइटफॉल होता है या स्वप्न दोष होता है उसकी वजह से उन्हें परेशानी होने लगती है, उन्हें समझ नहीं आता कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, तो आगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि ये एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला विषय है, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में जो किशोरावस्था के बारे में हमने जाना चर्चा की, वो आशा करती हूँ कि आपको सभी बातें स्पष्ट हुई होंगी और इन चीज़ों को से आपको अध्ययन में और सहयोग मिलेगा। एक कोट के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी, ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज लर्निंग जर्नी, यानी जो हमारा जीवन का सफ़र है वो एक सीखने की पूरी प्रक्रिया है, एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एंड कीप फिलिंग योर माइंड विद ऑल दैट इज़ वर्दी, यानी अपने दिमाग में क्या चीज़ें रखनी चाहिए, वो सभी चीज़ें जो उतना मूल्य रखती हैं, यानी जो हल्की फुल्की बेकार की बातें होती हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको भूल दे जाना चाहिए, और जो आपको संजो के सहेज के रखने वाली बातें हैं उन्हें रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, तो दिमाग एक प्रकार से आपका बैंक है, उसमें अच्छी अच्छी यादें आपको रखनी चाहिए। धन्यवाद।